धार। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में फैल चुका है कोरोना वायरस। आज एक और जिले में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। धार जिले में कोरोना वायरस से एक मरीज में संक्रमण हुआ है। धार में मिला कोरोना का पहला मरीज। धार में हुई कोरोना की एंट्री। पॉजिटिव मरीज को इंदौर में रेफर किया गया। परिवार के बाकी सदस्यों को धार हॉस्पिटल में आइसोलेट किया। बख्तावर मार्ग को चारों ओर से किया सील। धार से मोहिनी वर्मा की रिपोर्ट। धार में पहला पॉजिटिव केस आया है, तो उसके लिए टोटल लॉकडाउन जो क्वारंटाइन एरिया है, जो आइसोलेशन एरिया है, उसको आज पूरा लॉकडाउन किया जाएगा। वहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति जो है हम क्रिएट करेंगे, जिसमें पूरे इलाके को स्टॉपर से कवर करके और उसमें सारा आवागमन बंद किया जाएगा। और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग मिल के इसमें कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि बाकी सभी लोगों की प्रॉपरली स्क्रीनिंग हो जाए। देखिए, धार जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव जो है, यहाँ पे एक व्यक्ति है अल्ताफ खान, 28 बख्तावर मार्ग धार में वो रहते हैं। उनका पॉजिटिव आया है आज और हम उनका पूरा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है, 15 दिन पहले वो उज्जैन गए थे और 15th को हम इनको एडमिट किया था हॉस्पिटल में। 16th को उनका सैंपल हमने भेजा था और आज उनका रिजल्ट आया। इनका पूरा जो जहाँ रहते हैं वहाँ एपी सेंटर से पूरा हम लोग 3 किलोमीटर के रेडियस को पूरा कंटेनमेंट एरिया हम लोग घोषित किए हैं और पूरा उस कंटेनमेंट एरिया में पूरा आवागमन देखना। सर, जैसे कि आप ड्यूटी पे तैनात थे, तो कई एरिया सील किए गए हैं, क्या कारण है उसकी वजह का? आप लोग को विदित हो कि अल्ताफ खान ये 28 नंबर बख्तावर मार्ग का हमें धार के लिए पॉजिटिव पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है। इसको हम अरविंदो मेडिकल कॉलेज भेज दिए हैं और साथ ही साथ इस एरिया को माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। लिहाजा इस एरिया में कर्फ्यू जैसा स्थिति होगा और हम लोगों की पूरी जो टीम है अभी इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ पूरी अभी स्क्रीन टीम भी आ रही है, जो कि इस एरिया को, जो सील्ड एरिया है, यहाँ पे इनके सैंपल लिए जाएंगे। ठीक है, आपका नाम बताइए। सत्यनारायण दर्रो, SDM धार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।